ऑल राइट बॉस एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इट्स योर बॉय तेज पगारे फ्रॉम C74। आई एम रितुदेव फ्रॉम C74। सो गाइस, आप सब कैसे? ऊपर से दुआ चाहूंगा कि आप सब ठीक रहेंगे। सो गाइस, सर हम लोग आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं काफ़ी नॉलेजेबल प्लेस पर, जहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। सो हम लोग आज विजिट करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में, जो कि है कोलाबा मुंबई में। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट CST। सो गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखना और आज का वीडियो एंजॉय मत करना, एंजॉय तो ज़रूर करना, पर आज का वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाला है। सो काफ़ी आपको हिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। सो मेरा भी पहली बार एक्सपीरियंस रहेगा, रितु का भी पहली बार एक्सपीरियंस रहेगा। तो चलते हैं फिर डायरेक्ट, अभी डायरेक्ट मिलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय कोलाबा में। सो बाय। सो हेलो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय। सो अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग कोलाबा में आ चुके हैं। सो अभी अंदर एंट्री करते हैं सब। जैसे कि हम लोग ने अभी 150 रुपीज़ टिकट निकाला पर पर्सन, 300 रुपीज़। हेलो व्हाट्सअप गाइस, सो जैसे कि हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में एंट्री करते ही एक प्यारा सा और एक स्टैचू गौतम बुद्ध का यहाँ पर है। सो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जो आप लोग देख ही सकते हो। सो यहाँ से अभी चलेंगे अपन अंदर। को खुद को एक ऑडियो गाइड चाहिए रहेगा तो यहाँ पे वो अवेलेबल है। हम लोग आ चुके हैं एशियन स्कल्पचर्स में, देख सकते हो एशियन स्कल्पचर्स, इंडियन, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, रोम। अपने जो बुक्स में पढ़ा एशियन ग्रीस करके, तो आप देख सकते हो उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। देख सकते हो पहले की क्रिएटिविटी यहाँ पे। मिश्रण पात्र। सो गाइस, अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो बचपन में पढ़ाई की थी, अपने काफ़ी बुक्स में सब देखा रहेगा। सो बुक्स में देखने का और सामने देखने का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बेहतर है। पोलो ग्रीक और पोबेस रोमन। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बुद्धास की मूर्ति है। सो काफ़ी सारे भगवान के मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो हर चीज़ का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे नहीं सकता। सो आप लोग को यहाँ पे विजिट करना, 150 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। इंडिया की हिस्ट्री है, सो उसको जानो, काफ़ी जनरल नॉलेज आपको मिल सकता है। काफ़ी मूर्तियाँ पहले स्ट्रक्चर की, तो क्रिएटिविटी जो पहले की है, जो हज़ारों साल 100 साल पहले की जो ये सब मूर्तियाँ है गाइस, ऐसा नहीं कि अभी बनाई है, ये सब 100-100 साल पहले की मूर्ति है। तो हर कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता, आपको यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। देख सकते हो विष्णु भगवान जी की मूर्ति है यहाँ पर, बोधिसत्व, देख सकते हो गौतम बुद्ध के जमाने की ईंटें यहाँ पर आप देख सकते हो। बुद्धांच्या माता माया देवी यांचे स्वप्न, आप लोग देख सकते हो गाइस, गौतम बुद्धांचा जन्म, बर्थ ऑफ बुद्ध, राजवाड्याच्या रहस्य, मा बी मी कृष्ण कृष्मन, द ग्रेट डेप्चर, बोधी त्वचा प्राप्ती। आप लोगों को दिखता होगा गाइस, सरनाथ येथे बुद्धांचे पहिले प्रवचन, ब्राह्मण कश्यप पाची भेट घेत असलेले बुद्ध। रेड कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी इसके लिए।
मैं प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता। बुद्ध पाड़ा सम्राट अशोकाचा एकवा शिल्ला लेख आप लोग देख सकते हो। चीना हेड्स देख सकते हो गाइस आप लोग, जो हिस्ट्री कभी आप लोग ने देखी भी नहीं होगी आपको यहाँ पे सब देखने को मिलेगा। सो जनरल नॉलेज है गाइस, आप लोग भी यहाँ पे विजिट करो कृपया करके चाहूँगा। धार्मिक आद्रायत दाता लेस्टर कास्ट ऑफ बस्ट ऑफ द बुद्धा। अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, तो अभी हम लोग ने ग्राउंड फ्लोर का कवर किया है, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो गाइस काफ़ी सारी हिस्ट्री है यहाँ पर जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता प्रॉपर, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा बन जाए। एंड डेकोरेटिव आर्ट गैलरी है, ये पहले के जो मतलब एक्सेसरीज है, जो वेपन्स प्लेट्स, ये इंडियन आर्म्स एंड आर्मर 18th एंड 19th सेंचुरी श्री रतन टाटा आर्ट कलेक्शन है। सो लोग देख सकते हो ये वेपन्स यूज़ करते थे वॉर के लिए। देख सकते हो जो पहले के ज़माने में ये हावड़ा यूज़ किया जाता था, सो आप लोग देख सकते हो ये अभी तक है यहाँ पर, तो देख सकते हो आप यहाँ पे मुग़ल लोग के टाइम पे वो ये बर्तन यूज़ करते थे, बाउल यूज़ करते थे। आप लोग देख सकते हो अभी तक ये बाउल है, सो आप लोग देख सकते हो वाटर पॉट्स, टर्बन कास्केट, तो सब लोग देख सकते हो गाइस आप भी तक ये सब अपने को देखने को मिल रहा, बहुत बड़ी बात है। बाउल आज के डेट में ऐसे बर्तन मिलने तो मिलेगी नहीं मतलब मार्केट में, सब लोग देख सकते हो। ट्रे, पादन, डेकोरेटिव प्लेक्यूस, पादन, सर्वर, फुलदन, सब देख सकते हो। ये फिश देख सकते हो, डेकोरेटिव बॉक्सेस 19th और 20th सेंचुरीज के सीई के, सो आप लोग देख सकते हो उस टाइम के बॉक्सेस हैं, अभी के टाइम के ज़माने में ऐसे बॉक्सेस देखने को भी नहीं मिलते। आर्ट गैलरी हिमालयन का आर्ट गैलरी में एंट्री करते ही यहाँ पे बुद्धा की एक मूर्ति दी है, आप लोग देख सकते हो। सेंचुरी के ज़माने के सब मूर्तिज हैं, ऐसा नहीं कि मतलब अभी बनाया और अभी रख दिया यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं। सो आप देख सकते हो बोधिसत्व मैत्रेया कॉम्पोज सेनेट वन नेपाल 13th सेंचुरी सीई ग्रीव फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ एसएम अमरावती गुप्ता। ध्यानी बुद्धा, सो बुद्धा की काफ़ी सारी मूर्तियाँ गाइज यहाँ पर, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। नहीं मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में आके आपको इतनी हिस्ट्री जानने को मिलेगी। आप देख सकते हो भैरव विद दिस कॉन्सर्ट, काल भैरव है, लक्ष्मी नारायण,
महाभैरवा तारा नेपाली 18th सेंचुरी सी पेयर ऑफ हॉर्न्स डंस। सो गाइस आप देख सकते हो उस टाइम के हॉर्न्स डंस आप देख सकते हो, जो मराठी में शब्द बोलते डंगरू डमरू बोलते हैं। शंख देख सकते हो गाइस आप, गाइस ये सब देखने को मिलता नहीं है। करके छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में विजिट करो और खूब सारी हिस्ट्री जानने की जानो, या मतलब यहाँ पे आप प्रिंट्स एंड ड्राइंग्स गैलरी। सो उस टाइम के ये प्रिंट्स ये पेंट्स खूब देख सकते हो, हजारों सौ साल पहले की फोटोग्राफी। ये तो जो आपको ये फोटोग्राफी दिख रही है ना, ये सब सौ साल हजार साल पहले की फोटोग्राफी है। देखो ये अपने मुंबई सी एस टी दिख रही क्या, बॉम्बे 100 देख 100 ईयर्स आगे यहाँ पे लिखा। देखो गाइस 100 ईयर्स आगे में ये सब फोटोज है, मतलब सौ साल पहले बॉम्बे अपना ऐसा कुछ दिखता था, अभी की फोटोग्राफी। पर इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए रहेगी तो आपको यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। चलते नेक्स्ट सेक्शन में ज्वेलरी गैलरी के। यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो पहले का जो मतलब चम्मच स्पून बोलते हो वर्सेस 19th सेंचुरी के, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये सब देखने को मिल रहा, बहुत बड़ी बात है। अच्छा गैलरी है यहाँ पर भी। तो गाइस आप लोग देख सकते हो पहले के टेलीफोन्स कैमरास, जो बड़ी सीढ़ी में देखा रहेगा जो ने पिक्चर में, ये सब गाने सुनते थे लोग। क्रिएटिविटी देख सकते हैं गाइस, जो पहले की क्रिएटिविटी थी काफी। जाने वाले मनी गैलरी एंड ज्वेलरी गैलरी में करते हैं यहाँ पे एक मनी इज अ जनरल एक्सेप्टेड रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन कॉमनली कॉल्ड करेंसी, इट इज एन ऑफिशियल इशू लीगल। देख सकते हैं वर्थ ऑफ मनी, ग्रोथ ऑफ मनी, स्पीकिंग मनी, अनपाड़ा पंच मार्क कॉइन्स, सब लोग देख सकते हो गाइस पहले के कॉइन्स हैं यहाँ पर। पोस्ट मोरिया मोरियन कॉइन्स ग्रीक 3rd and 1st सेंचुरी के कॉइन्स है गाइस, ऑफ वेस्टर्न कस्त्रापा कुशाना डायनेस्टी। आप लोग देख सकते हैं 2000 इस अभी का कॉइन है, आप देख सकते हो एक अभी का कॉइन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फोर्थ एंड सिक्स सेंचुरी का कॉइन्स आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे, तो कैमरे में इतने क्लियर नहीं दिखते रहेंगे पर सामने से आके ज़रूर विजिट करना और ये हिस्ट्री पूरी जानना। काफ़ी मतलब साल हज़ार दो हज़ार साल पहले ये ऐसे मतलब देखे, अभी कैसे अपन 1,000 रुपये 2,000 रुपये देते तो वैसा वो सब साल पहले ये कॉइन्स थे, मतलब ये देखे तुझे सामान मिलता था मतलब उस टाइम पे उस ज़माने में। का मारून नानी बनवायची पद्धत 100 वर्षापूर्वीची पद्धत बघा, सब लोग देख सकते हो गाइस। चांदीच्या स्पष्ट तुकड्याच्या एकच बाजूवर एक किंवा जास्त निरनिराळ्या ठशान्याने चिन्हे उमटवलेले जात। ड्रेसिंग टेबल कभी कभी ये 19th सेंचुरी। आप लोग देख सकते हो गाइस ज्वेलरी, फिफ्टीन ते 19th सेंचुरी की ज्वेलरी है सर।
ओरिजिनल गोल्ड। देख सकते हो गाइस ज्वेलरी, द हिस्टोरिकल कॉन्टिनेंटम। देख सकते हो गाइस 20 सेंचुरी का है, यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। सो आप लोगों को यहाँ पे पूरी ज्वेलरी देखने को मिलेगी। उस टाइम पे महारानी लोग ये सब ज्वेलरी वेयर करते थे। आप लोग देख सकते हो, इनको पहचानते रहेंगे, अशोक सम्राट को उन टाइम की ज्वेलरी मतलब महारानी लोग यहाँ पे पहनते थे, मतलब वहाँ पे मतलब जहाँ पे मतलब रहते थे। सो उनकी ज्वेलरी देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। हेयर ऑर्नामेंट्स देख सकते हो गाइस, ये सब देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। और महानगर पालिका को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा म्यूजियम बनाया। ये सब ज्वेलरी गाइस आप देख सकते हो, हेयर ऑर्नामेंट्स जैसे बाल में लगाते ना बोला है, ये देख सकते हो, ये क्या बोलते हैं उसको, इंजन वाड़ी ना, ये पैर में पहनते हैं। उस टाइम की ज्वेलरी गाइस आप भी देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। सो आप लोग देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग हो रहा है गाइस, काफ़ी हिस्टोरिक ब्लॉग, जो हिस्ट्री जानने को आपको मिलेगी ये ब्लॉग में। जितना मेरे से हो सक रहा है उतना मैं इंफॉर्मेशन आपको दे पा रहा हूँ, बाकी सब इंफॉर्मेशन प्रॉपर तो आपको दे नहीं सकता। हजार 2000 साल पहले की ज्वेलरी आपको देखने को मिलती है ब्लॉग के माध्यम से। देख सकते हो सिल्वर ज्वेलरी, ये उस टाइम की ज्वेलरी, 15th सेंचुरी की ज्वेलरी है सर। अभी मैं आपको डायमंड दिखाऊंगा, 52.3 कैरेट्स का डायमंड है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ओरिजिनल बीटल्स बैच रेप्लिका। सो आप लोग देख सकते हो गाइस, कभी ओरिजिनल डायमंड जिंदगी में देखा नहीं, इनका डायमंड था ये, और हॉर्स इन एशिया। सो आप लोग देख सकते हो गाइस डायमंड, सो यहाँ पे कैरेट्स भी दिए हैं, 67.49 कैरेट्स, 41.10 कैरेट्स का डायमंड है। सो फ्लोर एंटीना रेप्लिका 132.27 कैरेट्स का डायमंड है, आप लोग देख सकते हो गाइस। सो यहाँ पर भी है इंदौर पियर्स रेप्लिका 16.39 कैरेट्स एंड 44.14 कैरेट्स, कोहिनूर का डायमंड्स आप लोग देख सकते हो गाइस 1.5060 कैरेट्स। सो आप लोग देख सकते हो गाइस ओरिजिनल डायमंड, और लोव रेप्लिका 189.62 कैरेट्स का डायमंड है गाइस। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अजब घर। सो यहाँ पे अपने को देखने मिलने वाले मम्मी, द मम्मी। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है ह्यूमन हेड कैनोपिक लिड लिमस्टी। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ओरिजिनल है गाइस। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं, काफ़ी लाइफ में ज़िंदगी में पहली बार देखने वाले हैं मम्मी। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है ऑसिरिस। सो गाइस आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ा रहेगा ऑसिरिस के बारे में। सो आप लोग देख सकते हो द मम्मी। सो गाइस ये ओरिजिनल मम्मी है गाइस, हाँ ये सही में ओरिजिनल मम्मी है, तो झूठ लग रहा है, आप लोग देख सकते हो गाइस द मम्मी दिख रहा है, देख ओरिजिनल है, देख अरे देख ना कपड़ा विपड़ा, बाप रे। सो गाइस आप देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज यांचे म्हणजे जे वेपन्स होते तुम्ही बघू शकता। सो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा वेपन है ये, तो ये वॉर के लिए यूज़ करते थे।
सो ये मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी के बुक्स में देखे थे, सो आज मैं हकीकत में देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आप देख सकते हो ये वेपन्स को, इंडियन पंच, डैगर, खंजर बोलता है ना, खंजर, और इनको कटार। सो आप लोग देख सकते हो जो पंच ऐसा पंच में लगाते हैं ऐसा, और ऐसा गुचुक, सो ये पंच है। ढाली, मराठी मध्ये बोलता ढाली, जो ऐसा पकड़ते थे मतलब खुद का बचाव करने के लिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे महाराजांच्या टाइमांची ढाली आहे, तुम्ही बघू शकता खूप वजन असते। जा रहे नेक्स्ट सेक्शन में, नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन, सो चलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन में। सो गाइज यहाँ पर जो अभी मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा इसका मीनिंग बताऊंगा। टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी इज द एक्टिविटी ऑफ क्लीनिंग, प्रिजर्विंग एंड फिलिंग द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स एंड बर्ड्स विथ स्पेशल मटेरियल टू मेक देम लुक एज इफ दे आर स्टील अलाइव। मेलेल्या पशु पक्ष्यांच्या कातड्या काढून साफ करणे, जतन करणे व त्यात विशेष सामग्री भरून जिवंत पशुपक्ष्यांसारखे दाखवणे म्हणजे टॅक्सीडर्मी होय। सो गाइज अभी जो मैं आपको यहाँ पे जो बर्ड्स यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ पे गाइज ये जो आपको बर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जितने भी आपको बर्ड्स दिख रहे हैं, सो गाइज आपको ये रियल लगते होंगे। सो गाइज ये रियल ही है एक्चुअली, इसको टैक्सीडर्मी प्रोसेस किया है जो कि आपको एकदम रियल दिखते हैं। तो इनका जो ऊपर का जो पार्ट रहता ना, मतलब जो ऊपर का जो पार्ट है वो सिर्फ ऊपर का पार्ट है, पर अंदर इनका अलग ही मटेरियल है मतलब, पर ये तुमको रियल लगेगा एकदम, मतलब रियल ही है। जो पशु पक्षी मतलब जो बर्ड्स डेड हो जाते हैं ना, तो उनको अलाइव करते हैं लोग, तो मतलब अपने को देखने को मिलने के लिए, तो इसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी प्रोसेस। आप लोग देख सकते हैं टैक्सीडर्मी किया है बाबू इधर। गाइस ऐसे बर्ड्स को भी अपने को देखने को मिलते नहीं, आप देख सकते हो एकदम ओरिजिनल है गाइस, सिर्फ इसको प्रोसेस किया टैक्सीडर्मी, देख सकते हो एकदम रियल लगता होगा सामने से, देख सकते हो गाइस, आप लोग देख सकते हो गाइस। हाँ आप लोग देख सकते हो गाइस टैक्सीडर्मी प्रोसेस किया है इनके ऊपर, एकदम ओरिजिनल है। सो आप लोग देख सकते हो, देख सकते हो गाइस यहाँ पे, देख सकते हो गाइस अभी देखने को मिलते नहीं है सब बर्ड्स, पर यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। रेड नेक फैल्कन देख सकते हो गाइस, देख सकते हो गाइस एकदम रियल, एकदम रियल। बर्ड्स के नाम दिए यहाँ पर, जो जो बर्ड्स यहाँ पर है अवेलेबल जो आपको देखने को मिल रहे हैं साहब, सभी बर्ड्स के यहाँ पर नाम है। डस्की ईगल ऑन, ये तो देख सकते हो गाइस प्रॉपर ओरिजिनल। सो आप देख सकते हो काफ़ी अलग अलग तरह के यहाँ पे ओवल्स है, जो कभी लाइफ में देखे भी नहीं होगे मैंने ना, ऋतु ने कभी देखा, कभी देखा क्या? सो म्यूजियम में आइए गाइस प्लीज़, काफ़ी हिस्टोरिकल आपको नॉलेज मिलेगा यहाँ। देख सकते हैं गाइस काफ़ी ह्यूज, इसी बड़े बड़े जंगलों में पाया जाता है ये जो बर्ड है बियर्डेड वल्चर, देख सकते हो काफ़ी ह्यूज लग रहा है एकदम, एकदम नेक्स्ट लेवल टैक्सीडर्मी प्रोसेस के यहाँ पर, जो आप देख सकते हो बड़े बड़े एनिमल्स के साथ भी टैक्सीडर्मी प्रोसेस किया है। सो आपको एकदम रियल दिखेगा, तो दिखे मतलब रियल ही है।
हेलो व्हाट्सअप गाइस। सो फाइनली हम लोग ने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय घूम चुके हैं। सो काफ़ी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था गाइस। और रही एक बात, सो गाइस अगर आप इधर वास्तु संग्रहालय में आते हो तो कृपया करके 2-3 घंटे का टाइम निकल कर आना, क्योंकि पूरा वास्तु संग्रहालय घूमने बोलेगा तो मतलब काफ़ी बड़ा है और काफ़ी कुछ सीखने जैसा है और काफ़ी हिस्टोरिकल जानकारी आपको मिल सकती है। सो अगर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से अगर कुछ जानकारी नहीं मिली रहेगी, सो जितना मेरे से हो सका उतना मैंने आपको हिस्टोरिकल जानकारी आपको दी। अगर आपको ये जानकारी अगर चाहिए रहेगी तो कृपया करके छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में विजिट करो। पर पर्सन 150 रुपीस चार्ज करते हैं उन लोग। सो अगर आप इधर आते हो तो 2-3 घंटे का टाइम निकल कर आना, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और आपको मेरे वीडियो के माध्यम से इतना तो कुछ समझा नहीं रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे खुद विजिट करो और खुद यहाँ पर हिस्टोरिकल जानकारी लो। और कुछ बना सकते रितु? मैंने तो जितना बुक पर पढ़ा उससे ज़्यादा इधर नॉलेज मिला है मुझे। हाँ। आप भी आके नॉलेज लो। जैसे कि आप लोग ने हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस में काफ़ी हिस्टोरिकल पढ़ा रहेगा, पर इतना कुछ आपको देखने को मिला नहीं रहेगा, पर यहाँ पर आकर आपको काफ़ी जनरल नॉलेज आप आकर अपना गेन कर सकते हैं। और अगर जिस किसी को इसका एड्रेस पता नहीं रहेगा तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक और इसका एड्रेस मैं दे दूंगा। और रही बात, अगर आप ट्रेन से आते हो तो आप चर्च गेट या फिर सीएस स्टेशन में उतर कर आपको यहाँ से कोई भी बस, मतलब कोलाबा जाने वाली कोई भी बस में आप बैठ कर यहाँ पर आपको संग्रहालय के सामने आपको छोड़ देंगे। सो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।